नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं खेल की दुनिया पर। भारत ने कोलंबो में खेले गए पहले वनडे में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने 263 रन का टारगेट 37वें ओवर में हासिल कर लिया। बर्थडे बॉय ईशान किशन ने 42 बॉल पर 59 रन और शिखर धवन ने 95 बॉल पर नाबाद 86 रन की कप्तानी पारी खेली। धवन की यह 33वीं 50 रही। वहीं उन्होंने वनडे में 6000 रन भी पूरे किए, जबकि ईशान का यह डेब्यू वनडे था। इंग्लैंड ने रविवार को खेले गए दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तान को 45 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। अब फाइनल और सीरीज डिसाइडर मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 200 रन बनाए। टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 155 रन ही बना सकी। ईशान किशन के खेल पर असर न पड़े, इसलिए एक दिन पहले ही पिता ने काटा जन्मदिन का केक। बोले, उसके अच्छे खेल से मिला रिटर्न गिफ्ट। भारत ने कोलंबो में खेले गए पहले वनडे में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने 263 रन का टारगेट 37वें ओवर में हासिल कर लिया था। बर्थडे बॉय ईशान किशन ने 42 बॉल पर 59 रन बनाए। ईशान के पिता प्रणव पांडे जन्मदिन पर बेटे की पारी से खुश हैं। उन्होंने कहा कि हर पिता अपने बच्चे के जन्मदिन पर गिफ्ट देता है, लेकिन ईशान ने शानदार पारी खेलकर उन्हें ही गिफ्ट दे दिया है। खेलों में सबसे लंबे डोपिंग विवाद के बाद रशिया टोक्यो ओलंपिक में एक और नए नाम के साथ कंपटीशन पेश करेगा। मेडल सेरेमनी के दौरान किसी पोडियम के ऊपर रूस का झंडा नजर नहीं आएगा, लेकिन खिलाड़ियों की पोशाकों पर राष्ट्रीय रंगों का इस्तेमाल हो सकता है। पुराने और नए डोपिंग मामलों का साया अब भी रूस की टीम पर है। पिछले कई सालों के मामले के लिए टोक्यो ओलंपिक की टीम में शामिल 2 तैराकों को सस्पेंड किया गया और 2 रोइंग खिलाड़ी पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस बार टीम रूस और ओलंपिक एथलीट ऑफ रूस के नाम से नहीं उतरेगी। टीम इस बार रूस ओलंपिक समिति ROC के नाम से उतरेगी। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई लगाएंगी मेडल के लिए जोर। भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ओलंपिक की महिला 49 किलोग्राम स्पर्धा में मजबूत दावेदारों में से हैं। वह 2016 रियो ओलंपिक के निराशाजनक प्रदर्शन की भरपाई टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतकर करना चाहेंगी। खेल से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें टुडे 24 न्यूज के साथ।